अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम अब्रार और आप देख रहे हैं टेक्निकल अब्रार। दोस्तों आज मैं आपके लिए रोम लेकर आया हूँ एंड्रॉयड पाई की, जो कि इसमें दोस्तों ये रोम मैंने पहले इसलिए रखी क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं। तो अगर आपको जानना है फीचर क्या है, आपको डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है अपने रोम को, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ सिस्टम में, अबाउट फ़ोन में, और यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे भी रन कर रहे हैं तो एंड्रॉयड वर्जन 9 है। इसमें सिक्योरिटी पे असल 5 सितंबर का है और इसमें आपको बिल्ड, आपको सब कुछ अच्छा पिक्सल एक्सपीरियंस की रोम मिल जाती है। यहाँ पे PPR2 यानी पाई एक्सटेंडेड रोम है ये, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फीचर मिलते हैं। तो सबसे फीचर की बात करें तो एडवांस में आपको कैमरा 2 API इनेबल मिलता है और आपका गूगल कैमरा भी प्री इंस्टॉल होता है। ये हम स्टेटस बार में एक्स्ट्रा सेटिंग में हम चलते हैं तो स्टेटस बार में हमको बहुत सारे चेंजेस यहाँ से आप कर सकते हैं। 4G की जगह आप यहाँ पर LTE दिखा सकते हैं, LTE की जगह 4G से दिखा सकते हैं आप। फिर यहाँ पर आप हाइड करना चाहते हैं एरो को, यहाँ पर आइकन्स को, वो भी यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। फिर नेटवर्क ट्रैफिक आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको कैसा चाहिए। फिर बैटरी और परसेंटेज में आपको कैसी चाहिए, हाइंड चाहिए, स्टेटस बार पे चाहिए, आप ऊपर भी चेक करवा सकते हैं आपको कहाँ चाहिए, वो सब यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे फुल्ली कस्टमाइजेशन रोम है, यहाँ से आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं, यहाँ से जो नहीं चाहिए आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं क्यूब टॉबल्स के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे फेस अनलॉक आपको दोस्तों मिलता है लेकिन कंप्लीट वर्क नहीं कर रहा है। लॉक स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वेदर जान सकते हैं, लॉक स्क्रीन स्टॉप, पावर मेनू में चलते तो आपको क्या कुछ चाहिए, एडवांस वाइप लॉक चाहिए, यूज़र चाहिए, लॉग आउट चाहिए, लॉक स्क्रीन सेटिंग। आप जैसे ही पावर की को प्रेस होल्ड किए रहेंगे तो आप जिन्हें भी आपने इनेबल किया होगा वो सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। फिर हम चलते हैं बटन्स पे, तो आप यहाँ से बटन्स जो वॉल्यूम रॉकर्स आप है वॉल्यूम अप डाउन के वो भी कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से आप कुछ शॉर्टकट बना सकते हैं। यहाँ पे आए रिकेंड्स में तो आपको बहुत सारे दूसरे ऑप्शन से यहाँ पे मिल जाते हैं, शो डेट और सब कुछ आपको बहुत सारे ऑप्शन से यहाँ पे मिल जाते हैं, स्टॉक रिकॉर्ड्स आपको रिकेंड्स में। फिर यहाँ पे नेविगेशन बार मिलता है, अगर मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ तो आपको नीचे कुछ भी नहीं दिखा, इनेबल करूँगा तो देखेगा। इसमें आपको एंड्रॉयड पाई के आप जेस्चर मिल जाते हैं आपको, जो कि एक अच्छी बात है। फिर आपको यहाँ पे सब कुछ एक एक खोल के नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, स्टाइल मिल जाता है, सेटिंग क्विक सेटिंग मिल जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है, जेस्चर मिल जाते हैं और फिर एनिमेशन मिल जाता है। अगर आपको नॉर्मल बटन चाहिए तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम आपको बैटरी में चलते हो दोस्तों, एक सेकेंड चलिए वापस चलते हो फोटोफोट सेटिंग में या डिस्प्ले में, नहीं बैटरी में। यहाँ पे बैटरी में दोस्तों आप देख सकते हैं फोर्सली क्लोज हो जा रहा है, वर्क नहीं कर रहा, मुझे यहाँ से बाहर फेंक दे रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से आपको सामने ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बाहर फेंक दे रहा है। इसका एक ही रास्ता है कि आप अपने अब जब भी रोम इंस्टॉल कर ले, फॉर्मेट डेटा कर ले, तब आपका कैश डायरी कैश एंड कैश आप उन्हें स्वाइप कर लीजिए, डिलीट वाइप कर दीजिए। क्यूब टॉगल सबको कुछ इस तरह से मिल जाएंगे दोस्तों। इसमें हमको 2 कैमरा प्री इंस्टॉल मिलता है दोस्तों जी हाँ, एक मी का ऑफिशियल कैमरा मिलता है देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें AI मोड आपको मिलता है इसके अंदर। फिर हम यहाँ पे चलिए वीडियो में चलते हैं और आपको दिखाता हूँ, 4K रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर आपको एक गूगल कैमरा मिल जाता है, चलिए मैं इसे भी ओपन कर लेता हूँ। इसके आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड और लेंस ब्लर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन दूसरे भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं कि आपको 4K रिकॉर्डिंग मिलती है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वीडियो में आपको यहाँ पे भी 4K रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। कॉलिंग सब कुछ दोस्तों ठीक हो रहा है, लेकिन आप जो कोई भी कॉल आप रिसीव कर लेते हैं किसी का, या फिर आप किसी को कॉल करके वो रिसीव कर लेता है, तो आपको जो सेकेंड्स और मिनट दिखते हैं वो नहीं दिखते और वीडियो कॉल का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता। ये 2-3 चीज़ें थी दोस्तों जो भी आपको बग्स जैसा था, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊं। दोस्तों इसमें क्रोम और प्ले स्टोर दोनों प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, आपको कोई भी GSB एप्स फ्लैश नहीं करना पड़ता, जो कि एक अच्छी बात है दोस्तों। और फिर दोस्तों हम आगे बात करें तो दोस्तों
आपको इसे इंस्टॉल कैसे करना है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं, आपको सिंपल है, आपको TWRP में बूट करना है, वाइप आपको फ्लैश करने का तरीका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस तरह से फ्लैश कर लीजिए रूम को। और आपको दोस्तों एक आखिरी काम करना है, आपको डेटा को बैकअप ले लेना है, क्योंकि आपको डेटा को वाइप करना पड़ेगा। अगर आप वाइप नहीं करेंगे तो आपका फ़ोन जो है एक पासवर्ड स्क्रीन पे जाके स्टफ हो जाएगा, वहाँ पे कोई भी पासवर्ड काम नहीं करेगा। इसलिए आपको TWRP में वाइप में फॉर्मेट डेटा करना पड़ेगा। फॉर्मेट डेटा में जाने के बाद आपको वाइप फॉर्मेट डेटा, फिर आपको यहाँ पे यस लिख के आपको ओके कर देना है, तो आपका सारा डेटा फॉर्मेट हो जाएगा और आप इजीली एंड्रॉयड पाई पे आ जाएंगे। दोस्तों बहुत ही बढ़िया रूम है, दोस्तों स्टेबल रूम है, मुझे कोई भी लैग नहीं मिला, देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी लैग नहीं मिला, बहुत ही स्मूथ काम कर रहा है। पबजी अभी इसमें HD मोड में खेल सकते, HDR में नहीं खेल सकते। मैंने ट्राई किया है HDR में जाने को, तो ये मना कर देता है, आप HD में ही खेल सकते हैं। तो यार वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।